यशोमति मैया के नंदलाला। जिस प्रकार से उस धूर्त ने सबसे वचन लियो है, मुझे विश्वास हो गयो है कि कछु न कछु गड़बड़ अवश्य है नंद। अब तो प्रभु नारायण ही जाने क्या होगा। जब उन्होंने ये मार्ग चुन ही लियो है तो उन्हें इस पर चलनो भी हो, फिर चाहे उन्हें धन मिले या दुख। तो क्या अब आप गोकुलवासियों का साथ ना देंगे? हे देवकी, यदि भक्ति का स्थान लोभ ले ले तो क्या करेंगे श्री नारायण? उत्तर दे प्रिय बहना, उत्तर दे। वो आपकी तरह नहीं है भैया। पथरीले मार्ग पर यदि कोई भक्त फिसल कर गिर जाए तो भी नारायण उससे मुंह नहीं मोड़ते, वो सदैव अपने भक्तों के साथ खड़े होते हैं। वो स्वयं झुक कर उसे उठाते हैं, फिर से पथरीले मार्ग पर चलने के योग्य बनाते हैं। यशोदा, संतान यदि भूल करे तो क्या उसकी मैया उसका साथ छोड़ देती? जब भक्त भूल कर तो है तो क्या नारायण उसका साथ छोड़ देते? तो फिर मैं भी अपनी प्रजा का साथ ना छोड़ सकता, ये मेरा दायित्व है। मुझसे जो संभव होगा मैं उनके लिए वो सब करूंगा। बाबा, जब कोई भक्त भूल करे तो भी भगवान उनका साथ नहीं छोड़ सकते। मैं उन्हें सही मार्ग दिखाने का प्रयास करता रहूंगा। सत्य तो ये है, नारायण उन्हें लोभ तो क्या, किसी भी जाल में नहीं फंसने देते, किसी भी जाल में नहीं फंसने देते। काल मेरे निकट से चला गया महाराज, नहीं तो ये तन मेरे ही प्राणों को आज झटक देता। तो अगली बार काल को मैं आदेश दूंगा ऐसी भूल ना करे। और जो सूचना तुम लेकर आए हो यदि वो अप्रिय लगी। परंतु महाराज, मैं तो अत्यंत शुभ समाचार लेकर आया हूँ। गोकुल के सारे ग्वालों और ग्वालिनों ने ये प्रण लिया है कि कल से वो सारा दूध दही मक्खन मुझे, केवल मुझे ही देंगे। अर्थात जिस दिन की मुझे प्रतीक्षा थी वो शुभ दिन कल आएगा। कल से आरंभ होंगे गोकुल के दुर्दिन और बहुत शीघ्र वो विष्णु अवतार मेरे चरणों पे पड़ा गिड़गिड़ाएगा, अपनी असही स्थिति पर आंसू बहाता हुआ अपने जीवन की भिक्षा मांगेगा। झटक लूंगा। आंखें खोल कर आना और कितनी देर ध्यान में बैठे रहेगो। सुबल, जब कोई गहरे चिंतन में हो तो उसमें व्यवधान नहीं डालते। चिंता? कैसी चिंता? बलराम, मुझे बता, जाने कितने जनों की चिंता दूर कर चुका हूँ मैं। बड़े बड़े साधु महात्मा मेरे पास ही तो आते हैं सहायता लेने। बाद में बोलना बड़ बोले, अभी काना को चिंता करने दे। चिंता ना श्रीदामा, चिंतन। वस्तु के पीछे भाग रहे हो आप सब? तब तो है आपके पास सुख स्वास्थ्य समृद्धि से संतुष्टि क्यों ना है? यशोदा, ये चूरमा हमें दोपहर की आरती से पहले बनाना है और बालकों को स्नान भी तो करवाना है, और तुम न जाने कौन से विचारों में खोई हुई हो। यही सोच रही थी जिजी,
कि बालक कितने शीघ्र बड़े हो जाते हैं ना। आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कल को बड़ा काम भी करेगो, नाम होगो, प्रसिद्धि मिलेगी, दसों दिशाओं में डंका गूंजेगा। ये तो अच्छी बात है ना। हाँ, अच्छी बात तो है, पर बड़ा होके संसार के चक्करों में फंस के कहीं अपनी मैया को ही ना भूल जाए। ये तो संभव ही नहीं है। चलो करो जल्दी। चिंतन था तेरा, कोई गंभीर समस्या आ गए हो क्या? हाँ, माखन की समस्या। पतो है। कटौती भी बहुत बढ़ गई है काना, अब तो चखने को भी ना मिलता माखन। सारा का सारा उस व्यापारी के पास चला जाएगा आज दोपहर को। ना जाएगो? कैसे? हमें सही समय में सही स्थान पे पहुंचना होगा। 10 सिक्के दियो है उसने, 5 मटकी माखन देकर आज ही हिसाब बराबर कर लूंगी ताकि कल और धन अर्जित कर सकूं। यशोदा भाभी, नंद भैया, यहाँ तक कि कान्हा ने भी हमें मना किया था, लेकिन फिर भी परमानंद जी के साथ व्यापार करके कछु अनुचित तो ना कर दिया ना हमने? अनुचित? ना ना, बिल्कुल ना। यदि जे अनुचित होता तो श्री नारायण हमें जे करने ही ना देते, कछु ना कछु उपाय करके रोक लेते। अरे मैंने रोका तो था। रोका था? किसको रोका था काना? सबको रोका था, लोग के जाल में मती फंसी हो। मैं तो अब भी कह रही हूँ, यदि मैं कोई भूल कर रही हूँ तो श्री नारायण जी आए और मुझे व्यापारी जी को माखन देने से रोक ले। बस इसी की तो प्रतीक्षा कर रहा था मैं। किसकी प्रतीक्षा? उचे समय की। देखा, कुछ ना क्यों नारायण ने, मैं तो कहती हूँ तू भी समय व्यर्थ मत कर। दोपहर तक का समय दियो है व्यापारी जी ने, शीघ्र घर जा, सारा माखन मटकी में भर और मेरे साथ ही मेरे सकट से ले चल। सारा माखन देना पड़ेगा? और नहीं तो क्या, जही तो वचन दिया है व्यापारी जी को। सारा माखन व्यापारी को दे दियो तो कान्हा मेरे घर माखन चोरी करने नहीं आएगो, कछु तो करनो होगो। इससे क्या होगो? क्या बोल रहा है कान्हा, ठीक से बताना, किसके यहाँ जाना है, कब जाना है? सूची के अनुसार आज तो बसंता के घर जाना है। नाना ना कान्हा, तुम सब आगे जाओ। क्या होने वाला है और कब होने वाला है, मेरे आने से पहले सब पता करके रखो। हाँ, सुलक्षणा चाची के घर तो पूरी तैयारी के साथ ही जाना चाहिए। लग तो है इसलिए मालिश करवा के बैठो है काना। हो गयो प्रयात, आप शीघ्र जाओ, उचित है। सच में सुलक्षणा चाची के घर माखन चोरी करने जा रहे हो? कभी प्रेम से, कभी क्रोध से, पूरे दिन मेरा ही नाम जपती है वो। जो इतना स्मरण करे उसके घर तो जाना ही चाहिए ना दाऊ। मुझे पता है काना, एक और माखन चोरी के लिए बहाना बना रहे हो तुम। एक के लिए नहीं दाऊ, 2 माखन चोरी के लिए। दूसरी किसके यहाँ? उनके यहाँ। वो तो पहले से ही क्रोध में आ रही है। सब पता है मुझे, तू सबके घरों में माखन चोरी करता है और अपनी मैया के सामने एकदम भोला बालक बन जाता है। चकित क्यों हो रहा है? सब जान गई हूँ मैं, मेरी सखियाँ ना कभी झूठ ना बोलती, और वैसे भी तुम पे झूठा आरोप क्यों लगाएंगी वे? सबके सब इतना स्नेह करती हैं तुमसे, और
स्नेह तो मैं भी करती हूँ तुमसे, पर जिसका ये अर्थ ना है कि तू ऐसे सबके घरों में जावेगो और माखन खा जावेगो। ठीक है। क्या ठीक है? मेरे घर आने की तो सोचियो भी मत ही खाना। संकरी मौसी की तरह मैं माखन को ऊपर ना टांगती, पर वो तो इसीलिए क्योंकि मेरे घर ऊंची चौकी ना है ना, इसीलिए एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर रखना पड़तो है। पर तू तो जे सब कर ही ना पावेगो, तू मेरे घर आने का कुछ लाभ ही ना है ना। और भले ही सावित्री भाभी की तरह मेरे द्वार पे कोई बैल पहरा भी ना देती, लेकिन मैं सदैव चौकन्ना रहती हूँ, इसलिए मेरे यहाँ माखन चोरी करना असंभव है। तो किसी के भी घर चले जाना काना, लेकिन मेरे घर मत ही आना, समझ आई? और दोपहर को मैं सकट लेने बाहर जाऊंगी, इस अवसर का लाभ उठाने के बारे में सोचियो भी मती। ना तो आप छोटी मां को बता दोगी? आप क्यों सुझाव दे रही हो दाऊ? ना बताऊंगी नहीं, सीधा कान पकड़ कर ना यशोदा भाभी के पास ले जाऊंगी तुम्हें, इसीलिए मेरे घर आने का विचार अपने मस्तिष्क में भी मत लाना काना। ये रोकने आई थी वो सारा भेद बताकर चोरी का निमंत्रण देने, तो अब आपने सेम देख लियो ना, तब चाहती है मैं उनके घर जाऊँ और माखन खाऊँ। वो तुम्हारा दाऊ काना, मैं नहीं चाहता कि तुम चोरी करो और पकड़े जाओ। चलो बहुत धूप ले लियो, स्नान का समय होगा, आ जाओ। दाऊ ना हो गोकार्य, यदि काना के माखन चुराने वाली बात सत्य है ना, तो आज काना यहाँ अवश्य आवेगो। पर जी कान पकड़ के ले जाने वाली बात मुझे ना कहनी चाहिए थी। हे नारायण, यदि काना सचमुच भयभीत होगो फिर तो आज क्या वो मेरे घर कभी भी ना आवेगो। यदि दाऊ को समझाने में समय लगो तो सारा माखन उस दूध व्यापारी के पास पहुंच जाएगो और मेरे सखाओं को कुछ ना मिलेगो। आज तो बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं, सुलक्षणा चाची के घर माखन चोरी करना संकट को आमंत्रण देना है। जे दोनों आज इतने शांत क्यों हैं जिज्जी? कोई ना कोई भेद तो अवश्य है, बता। हाँ, आज तक तो इतने शांति से कभी तैयार नहीं हुए हैं दोनों। लगता है थक गए हैं। हाँ, बहुत नींद आ रही है मैया। कहीं अकेले जाने की तो नहीं सोच रहा है ये? मुझे भी बहुत नींद आ रही है ना। बलराम, ये सोने का समय थोड़ी ना है, तनिक देर के लिए सोने देते हैं ना जीजी। यही तो समय है निश्चिंत होके अपने मन के करने की, नहीं तो एक बार बालपन चला गयो और जीवन के कर्तव्य और दायित्वों का बोझ सर पे आ गयो तो जे सब करने का अवसर थोड़े ना मिलेगा। ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। चल देखो तो इन्हें, और तुम चिंता कर रही थी बच्चे बड़े हो रहे हैं हमें स्मरण रखेंगे भी या नहीं। इन्हें हमारी आवश्यकता है यशोदा, और सदैव रहेगी।
जितनी सोची थी उतनी मटकियां हो गई आज। माखन मटकियों में फर्को, माखन मटकियों में फर्को, माखन मटकियों में फर्को, माखन मटकियों में फर्को, माखन मटकियों में। काना तो अभी तक आया ही ना, 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 काना। हे नारायण, सुलक्षणा चाची मटकियों को बंद कर रही हैं। अब यदि काना ना आया तो ये सारी मटकियों को लेके निकल जाएंगी। थोड़ा माखन काना के लिए अलग निकाल देती हूँ। बावली हो गई हूँ मैं। अपने बालकों के साथ सो गई थी। मंदिर में आरती आरंभ होने वाली होगी। हाँ, और भूख के लिए चूरमा भी तो बनाना है। अब आ भी जा काना। आरती का समय हो गया, चलो एक बार बालकों को देख ले फिर चले। ठीक है। गहरी नींद में सो रहे दोनों। चिची शीघ्र ही वापस लौटेंगे। हाँ चलो। आज हमें माखन ना मिल पाएगा। क्यों ना मिल पाएगा? काना बलराम का रोगो ताऊ वो तो सो रहे हैं, पर चिंता मत कर, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगो। काना अब तक ना आयो, अचोती की भयभीत तो ना कर दिया मैंने उसे? समय होगो, शीघ्रता से सारी मटकियां सकट पे चढ़ानी होगी, व्यापारी जी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हे नारायण, सुलक्षणा भाभी आने वाली होंगी, लगता है अब ना आवेगो काना। Thank you.
जे तो सच में आगो बड़ा नहीं डरे जे। वाह, सेमी बुलाती हो और सेमी अष्टक करते हो। सुलक्षणा चाची, आपने रोकने को कही थी ना, देखो आपको रोकने आ गई हूँ मैं।